आज आपके साथ शेयर किए जाने वाला नुस्खा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, ना कि सिर्फ चेहरे से मैल और कालापन हटाने के लिए, बल्कि एक बेबी जैसे सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। जी हाँ, एक ऐसा नेचुरल तरीका जो देता है आपको रिजल्ट इन जस्ट वन टाइम। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ सहमत हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरा ब्लॉग चेक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच शुगर यानी चीनी। इस चीनी को हल्का दरदरा पीस लेना है। शुगर दुनिया का सबसे बेहतरीन स्क्रब है जो कि सभी के घरों पर अवेलेबल होता है। इसके बाद आपने लेना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट चेहरे से मैल और कालापन काटता है यानी दूर करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अप्रॉक्सीमेट लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ज़रूर ऐड करना। लेमन जूस भी आपके चेहरे की रंगत निखारने में तेज़ी से मदद करता है। इसके बाद आपने फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने डाला है 1 चम्मच। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इस फेस पैक को लगाने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्किन टाइप क्या है, बिकॉज़ ये सभी स्किन टाइप को सपोर्ट करता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो। जितना यूज़ करोगे उतना ही स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी और ज़्यादा चमकेगी। मेरे इस्तेमाल किए गए सभी फेस पैक में जो कि घर से बनाए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसमें ये सबसे बेहतरीन फेस पैक है। इसको लगाने के लिए आपको चेहरा पहले क्लीन करना होगा, उसके बाद आप किसी ब्रश या फिर फिंगर की मदद से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 10 से 15 मिनट फेस पर रखने के बाद जब आप इसको चेहरे पर रिमूव करेंगे तो आपने हल्के हाथ से एक बार स्क्रब करना है, देन यू रिमूव इट। रिजल्ट इन जस्ट वन टाइम। असर 1 हफ्ते में कंप्लीट आपको नजर आ जाएगा और लगाना और बनाना दोनों ही इजी है। सो आई होप गर्ल यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।